Sir, one of our sisters want to ask a question. I'm going to take her on the line. Assalamu alaikum. वालेकुम सर, प्लीज काइंडली मुझे गाइड कीजिए कि क्या ये जरूरी है कि हम खुद को किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएट करें। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं इन चारों इमामों की इज्जत नहीं करती, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी रहिमुल्लाह, इमाम मलिकी रहिमुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमुल्लाह, ये तमाम चारों इमाम बहुत काबिल इज्जत, बहुत काबिल एहतराम है। पर सर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ये कह के मुखातिब करे कि भाई तुम हनफी हो, तुम शाफी हो, तुम मलिकी हो या हम्बली हो। किसी भी पर्टिकुलर फिरके या तबके से मैं नहीं चाहती कि लोग उसका नाम लगा के मुझे मुखातिब करें या मेरी औलाद को या मेरी नस्ल को ये कह के मुखातिब किया जाए भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमान कह के बुलाओ। मना करते हैं कि तुम हर स्कॉलर्स को या हर किसी इमाम को फॉलो नहीं कर सकती वरना तुम गुमराह हो जाओगी। क्यों हो जाओगी भाई? जो अल्लाह की, अल्लाह से आपका ताल्लुक जुड़े, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ऐसे रिप्रेजेंट करे बिल्कुल हक हक के साथ कि बिल्कुल दुरुस्त तालीम आप तक वो पहुंचाए, तो क्यों ना उसको फॉलो किया जाए। मेरी मर्जी, मैं तो इसरार अहमद को भी सुनूंगी, मेरी मर्जी, मैं तो तारिक जमील साहब को भी सुनूंगी, मैं जाकिर नाइक को भी सुनूंगी, हाँ, और अब मैं साहिल अदीन को भी सुनती हूँ, क्यों ना सुनूं। जो बात सच सही करेगा हम तो उसको सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे ना। हाँ, अंधी तकलीद हम किसी की भी नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से ये चारों इमाम इस कदर काबिल इज्जत, इस कदर काबिल एहतराम है। इनफैक्ट इमाम इब्ने कईम रहिमुल्लाह का जिक्र करो तो आप पे और फतुहात लग जाते हैं। मैं इमाम अबुल आला मौदूदी साहब को नहीं जानती थी, पर थैंक्स टू यू कि आपने उनके बारे में बताया, अब मैं उनका तफहीमुल कुरान भी पढ़ रही हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्यों गुमराह हो जाऊंगी? और सर बताएं कि क्या सच में क्या लोग ठीक कह रहे हैं? पर मेरे कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ठीक है और मैं इसी तरह अपनी औलाद को भी रेस करना चाहूंगी, पर क्योंकि बात अब यहाँ औलाद की आ गई है तो मैं किधर फॉल्ट पे हूँ, मैं किधर मिस्टेक कर रही हूँ? प्लीज काइंडली मुझे इस हवाले से गाइड कीजिए। सर फिर के हवाले से शी आस्क्ड द क्वेश्चन। थैंक यू जी। जी सर, नो नो नो, शी डिडंट आस्क फिरका, शी इज आस्किंग अबाउट फॉलोअरशिप ऑफ एनीबॉडीज थॉट। बच्चे जो होते हैं ना 12 साल के से कम के, कुछ सोचना नहीं समझ, दिमाग ही नहीं बना होता, ये हार्डवेयर ही नहीं है, उनके लिए हुक्म है कि तकलीद करें। वो हुक्म क्या मतलब है कि उनको हम ही हुक्म देते हैं, तकलीद ही करते हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है फिर उसकी नकल उतारते हैं। बड़े जब अब हो जाते हैं तो आप सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की नकल करेंगे, बस पैसे आप कैसे करेंगे? तो पूछेंगे जिस बंदे के पास हदीस का इल्म है, जिस बंदे के पास फिक्र का इल्म है, तब तक आप इल्म हासिल करते रहेंगे जब तक आप उससे पूछते हैं। जैसे आपने इल्म हासिल किया तो आप उस बंदे की तकलीफ छोड़ देंगे, बस आसान सा प्रोसेस है। और आप जितनी जल्दी कोशिश हो सके आप बच्चों को ट्रेन करें कि वो डायरेक्टली खुद सोचना शुरू करें। फिक्र का जो इल्म है ना, फिक्र का, वो टेक्निकल है। जब तक आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं पता तो आप फिर किसी ना किसी मुफ्ती से फतवा लेते रहें, जैसे ही पता चल गई आप तो फिर आप किस लिए तकलीद करेंगे किसी की? यही तो मना है इस्लाम में, अल्लाह की सिर्फ अल्लाह ताला की और के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात मानने के लिए फिर नबी इस्लाम की तकलीद करेंगे। जब तक आप नहीं उस इल्म तक पहुंचे तो आप किसी और की तो तकलीद करेंगे, खुद हाफ बेक केक नहीं लोगों को पेश करेंगे या खुद खाएंगे। तो जो नहीं कर रहा इल्म हासिल, तो वो फिर वो बच्चे के, बच्चे के लेवल पे ही है, फिर उसको अपनी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेवल पे। सोचना तो जरूर है, वो तो आप जिस शोबे में भी डाले जाएंगे, वो जहां पे भी होगा, वो आपको एक नई नया 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 पर्सपेक्टिव, नई लेंस देगा टू लुक एट द प्लैनेट। तो वो तो आप हमें भी दें, हम आपको भी दें। सोच के तो कोई लिमिटेड जाविये होते नहीं, तो वो तो आपकी उसमें क्या तकलीफ करनी किसी की, वो तो खुद ही आती है। वो तो आप बस एक्सप्रेस करना है कि ट्रेनिंग दें, बच्चों को लिखवाएं, बुलवाएं, समझाएंगे किस तरीके से सोचना है, सोच नहीं आए तो उसको बयान कैसे करना है। तो तब तक आप अल्लाह रसूल के पास और तमाम तरह बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी, साइंस के भी लें, नबी इस्लाम के और अल्लाह के कलाम के ऊपर उस टेंसिल के ऊपर चेक करें, सही है तो लोगों को भी बताएं। मगर फकीही मसले जो हैं या बेसिकली हराम हलाल, जायज ना जायज,
तो इसके ना इसके मामलात के अंदर आपको तकलील करनी पड़ेगी जब तक आपके खुद इल्म नहीं होता।